दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज देखिए, ये जो बचा हुआ कट पीस है और या फिर ये जो फैब्रिक है बचा हुआ हमारे पास में, ये कितना है मैं इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। ये टोटली है 18 इंच, 18 का डबल हो गया 36, और 36 में ये होता है 92 सेंटीमीटर का हमारे पास ये फैब्रिक। तो इसके हम बनाते हैं कुशन कवर, कटिंग और स्टिचिंग। आपके पास भी वेस्टेज हो तो आप उसका ऐसे यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास छोटे छोटे वेस्टेज कट पीस हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेपर लेते हैं और कुशन का ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। हम अपने कुशन की जो लेंथ लेंगे वो 14 स्क्वायर में लेते हैं इसको, तो 14 स्क्वायर 14 लेंगे। ये हमारे कुशन की लेंथ होगी, ठीक है ना। अब हम बैक साइड का पार्ट्स पहले कटिंग कर लेते हैं। तो बैक साइड के पार्ट्स के लिए हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 18 स्क्वायर 14 लेंगे। तो ये 18 हो गया है, इस तरफ से हम 14 इंच देख लेते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे 14 इंच हो गई है। इसकी हम ड्राइंग कर लेते हैं इस तरह से। बैक साइड पार्ट्स में 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो सबसे पहले बैक साइड पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद में आपको आगे की कटिंग और उसकी डिजाइनिंग बताऊंगी। तो ये हो गया है 18 इंच लेंथ और 14 इंच इसकी चौड़ाई, और स्क्वायर में होगा 14 स्क्वायर 14। तो ये मैंने बैक पार्ट्स कटिंग कर लिया है इस डो के अकॉर्डिंग। अपने बैक साइड के पार्ट्स को कट करके हम 2 फोल्ड में बराबर में कटिंग कर लेंगे, और एक इसको एक साइड से हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके ऐसे, और इसको हम रख लेते हैं। ये साइड इस तरफ से फोल्ड कर लेंगे और ये साइड इस तरफ से नीचे से थोड़ी थोड़ी इसको ऐसे फोल्ड करके दो साइड से, और बैक साइड पार्ट्स को रख लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे का पार्ट्स कटिंग करेंगे। आगे के पार्ट्स के लिए हम 14 इंच का ये जो हमारा पॉइंट है, तो 14 स्क्वायर 14 का कटिंग कर लेते हैं। इस तरफ से हमारा 14 है, ये देखिए ये 14 इंच है, और इस तरफ से ये 14 का पॉइंट लगा करके कटिंग कर लेते हैं। मैंने पॉइंट लगा दिया है, अब हम स्क्वायर में इसको कट कर लेते हैं। जो बैक साइड का एक्स्ट्रा लिया था ना, उसको हम यहाँ पे निकाल देते हैं। अब ये हमारा आगे का पार्ट्स होगा। आगे के पार्ट्स को हम किस तरह से तैयार करेंगे, देखो इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे पहले। ये हमारा डबल फोल्ड में हो गया है ट्रायंगुलर शेप में, फिर हम इसको 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। बहुत ही सुंदर और इजी डिजाइन्स मैं आपको बताऊंगी, और आप किसी भी कट पीस से अपने घर पे इसे रेडी कर सकते हैं। जब आप इसको फोल्ड करें तो चेक कर लें कि आपके देखिए दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर में फोल्ड हो जाने चाहिए। अब हम इसको ऐसे 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे, तो 4 फोल्ड में भी हमारे जो पार्ट्स हैं बिल्कुल बराबर में ऐसे फोल्ड हो जाने चाहिए। तो ये फोल्ड हो गए हैं। अब हम बीच में से 2.5 इंच का एक पॉइंट लगाएंगे। देखो ये जो बीच सेंटर है ना, यहाँ से आप 2.5 इंच का इस तरफ पॉइंट लगाइए, 2.5 इंच का इस तरफ पॉइंट लगाइए, और मिडिल सेंटर से 2.5 इंच का बिल्कुल बीच में हम पॉइंट लगाएंगे, और ये पॉइंट्स हम इस तरह से इनको मिला देंगे। मिल गए ना, इस तरह से इसको राउंडर बना लेते हैं। 1 साइड हो गया, इसी तरह से इस तरफ भी हम 2.5 इंच का ये पॉइंट लगा करके मिडिल सेंटर से, और इसको पूरा राउंडर, क्योंकि कटिंग नहीं करना है मुझे यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको राउंडर बना रही हूँ। ये हो गया। अब इस तरफ भी मैं वही ड्रॉ कर लूँगी जो मैंने आपको बताया है। इसको मैं चारों ओर से ड्रॉ करके एक गोल राउंडर बना लूँगी, ठीक है ना। अभी हम पेपर पर ही इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग समझते हैं। तो मैंने इसको भी इस तरह से किया, फिर वही 2.5 इंच का, फिर वही मिडिल सेंटर से 2.5 इंच का, फिर इस तरफ भी 2.5 इंच का, फिर इसको हमें ऐसे गोल बना देना है, और इस तरफ भी वैसे ही बना लेना है। तो मैंने इसको चारों ओर से ड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं, देखिए बीच में एक राउंडर ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी जो लेंथ है वो देख लेते हैं टोटली। यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से और इस कॉर्नर तक की, तो ये देखिए 7.5 इंच की है। तो हमें 7.5 इंच की जो लेयर चाहिए होंगी, तो देखो सबसे पहले ये लेयर मैंने कटिंग कर ली है, 7.5 इंच की है, ठीक है, 7.5 इंच की है ना।
अब देखिए जो आपको दो प्लेट्स दिखाई दे रही है, इस कॉर्नर से एक ये वाली लाइन और एक ये जो मिडिल सेंटर वाली जा रही है ना, ये यहाँ से आपको सही नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि पूरा प्रोसेस आपको पता रहे। तो इस तरह से मैंने इसकी घड़ लगा दी है फिर से। अब आपको ये दोनों घड़ अच्छी तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इस घर को ये जो सराउंडर है ना, यहाँ से यहाँ तक हमें इसको कवर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके हम इसको यहाँ पे यहाँ तक स्टिच कर देंगे। तो एक यहाँ पे हम आलपिन लगा देते हैं अपने पेपर के साथ में। तो मैंने यहाँ पे एक आलपिन लगा दी है पेपर के साथ में, ठीक है, स्टिच हो गया। अब हम इस पे यहाँ पे ऐसे प्लेट्स डालते जाएंगे इस तरह से, और ये जो लाइन है ना यहाँ पे इसके पास पास में इन प्लेट्स को एडजस्ट करते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम एक एक प्लेट्स डालते जाएंगे और इनको आप चाहे तो आलपिन से कवर कर सकते हैं तुरंत, और या आप आयरन से भी इसकी जो घड़ है, जो चुनट है वो जमा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चुनट लगा ली है बराबर में, एक साइड कॉर्नर में, एक साइड कॉर्नर से दूसरे साइड कॉर्नर तक की एक स्टेप पूर्ण हो जाती है। और अब मैं आपको दूसरी कॉर्नर से स्टार्ट करके फिर ये चुनट लगाना बताऊँ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक कॉर्नर को यहाँ पे अटैच कर लिया है, ठीक है, और कहाँ तक क्या है ये आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक कॉर्नर हो गया। अब ये दूसरा कॉर्नर आप देख सकते हैं, ये वाली जो घड़ है ना, यहाँ से और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें इसको करना है वापिस। फिर हम वही 7.5 इंच की जो हमारी लेयर कटिंग की हुई है वो लेंगे और इसको सबसे पहले यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए जो थोड़ी बहुत बड़ी छोटी है उसको हम लास्ट में कट करके और बराबर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं और ये मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर दिया है, ठीक है। अब हम फिर से वही चुन्नट डालेंगे इस तरह से, सिंगल चुन्नट, ठीक उसी तरह से हमें एक एक चुन्नट पास पास में, ऊपर से पास पास में लेना है और नीचे से ये थोड़ा गैप में स्टिच हो जाएगी। तो इस तरह से आप लगा करके आयरन से इसकी फिनिशिंग कर लें या फिर आप पिन से इसको पिन अप कर लें ताकि यही ले नहीं, और उसके बाद में दोनों पार्ट्स पूरे हो जाने के बाद हम इसकी स्टिचिंग लेंगे। ऊपर से लेंगे एक राउंड स्टिचिंग और एक नीचे जो स्क्वायर में है वहाँ पे लेंगे। इस तरह से हमें दो साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हमारी दो साइड और है, उन पे भी हम इसी तरह से प्लेट्स डाल करके स्टिच करेंगे। तो नेक्स्ट के अंदर दो पट्टियां, एक पट्टी हम यहाँ पे स्टिच करेंगे इसी तरह से ये प्लेट्स डाल के, और फिर एक पट्टी हम इस राउंडर के चारों ओर यहाँ से यहाँ तक की स्टिच लेंगे। तो देखिए मैंने जो नेक्स्ट के दो पार्ट्स थे उन पे भी इस तरह से चुन्नट डाल दी है, और अब हम एक ये स्टिचिंग और ये जो हाफ यहाँ तक देख सकते हैं आप, ये स्टिचिंग आई हुई है, यहाँ पे भी हम स्टिचिंग लेकर के इसको कवर कर लेते हैं। फिर ये जो नीचे की है यहाँ पे भी हम इसको कवर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम इसको कवर कर लेते हैं नीचे से भी। जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसकी हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। यह हम 1 इंच के एक ड्रॉ करेंगे बीच का कलर चेंज करने के लिए, इस पे कॉर्नर से 1 इंच का ये ड्रॉ करके, और इस तरह से 1 इंच इस तरफ
वन इंच इस तरफ और इस तरह ड्रॉ करके इसको हम यहाँ पे कट करके अलग कर देंगे। तो ये मैंने वन इंच का कट कर दिया है और बीच का रह गया हमारा डेढ़ इंच का साइड का। इस तरह से ये हमारा, इसको थोड़ा सा हम राउंड शेप और लगा देते हैं। तो ये हमने पैटर्न कटिंग कर लिया है। अब हमने ये नीचे का फैब्रिक कटिंग कर लिया है। एक सिलाई हम इसकी यहाँ से ले लेते हैं और एक इस तरफ से ले लेते हैं। मैंने इसकी एक एक स्टिचिंग ले लिया इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब मैं इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देती हूँ साइड से, बिल्कुल भी बराबर में रखते हुए। और जो भी साइड एक्स्ट्रा है इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं पूरी राउंड में। साइड को कट कर दिया है, अब इसको बीच से कट कर देंगे इस तरह से और इनको इस तरह से। अब इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे हम इनको इस तरह से। एक एक पट्टी को हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये सारी जो पट्टियां हैं अंदर की ओर ऐसे फोल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी फिर डबल कटिंग करेंगे इस तरह से। कटिंग करके फिर हम इनको इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। इनको ऐसे आलपिन से भी फोल्ड किया जा सकता है, मैं यहाँ पे सिलाई नहीं लगा रही हूँ। और इनको आप इस तरह से सुई से भी फोल्ड कर सकते हैं, तो आपको जैसे हो वैसे। अभी हमें इसकी स्टिचिंग नहीं लेनी होती है, सिर्फ हमें इसको इस तरह से सिर्फ फोल्ड करना ही होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब ये हमारी फोल्ड हो गई है। अब ये जो सिलाई है इसको हम खोल देते हैं, जो हमने सिलाई लगाई हुई है इसको हम यहाँ पे खोल देंगे। तो इसको मैं खोल देती हूँ। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और फिर वैसे ही दो स्टिचिंग लेंगे। एक हम स्टिचिंग यहाँ पे लेंगे और एक यहाँ पे लेंगे। तो इसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको यहाँ पे कट कर दिया मैंने और इसकी मैं दो स्टिचिंग ले लेती हूँ। दो स्टिचिंग ले लेते हैं। सिलाई लेने के बाद जो साइड है उसको हम कट कर लेते हैं। तो अब मैंने ये पाइपिंग की पट्टी ली है और इसको हम यहाँ से एक सिलाई में ऐसे राउंड में इस तरह से स्टिच लेंगे एक एक फिट की दूरी से। और यहाँ पे हमें इसको ऐसे स्टिच लेना है जैसे कि हम पाइपिंग लगाते हैं, वैसे एक स्टिचिंग ले लेते हैं। एक स्टिचिंग ले लिए हैं, अब हम इसको ऐसे फोल्ड करके और पाइपिंग कर देंगे इसकी। और स्टिचिंग देखिए कितनी ली, आप देख सकते हैं, सिर्फ एक फिट की यानी क्वार्टर इंच मान लीजिए आप। और जो लास्ट होती है ना, इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि इसको कैसे करना होता है। स्टार्ट के अंदर इसको डबल फोल्ड करके स्टिचिंग लिया था और इसके ऊपर तक इसको यहाँ पे लगा दिया है। अब जैसे ही हम इसको फोल्ड करेंगे ना, तो इसको जॉइंट करने की जरूरत नहीं होती, ये इस तरह से फोल्ड हो जाती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जॉइंट हुआ था, तो पता नहीं चलता है ना, ये अलग अलग है। और जैसे ही हम फोल्ड करेंगे ना, तो ये नीचे की ओर ऐसे अच्छे से फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। अब जो ये हमारी पाइपिंग यहाँ पे निकल जाएगी, इसको हम एक स्टिचिंग ले लेते हैं यहाँ पे इसके पास पास में। तो देखो मैंने इसको नीचे की ओर फोल्ड कर दिया है, ठीक है। ये तैयार है बीच का पैटर्न। और अब हम इसको यहाँ पे बीच में एकदम मिडिल सेंटर पे रख करके और एक स्टिचिंग ले लेंगे। इसका ये ध्यान रखना, ये मिडिल सेंटर है ना, ठीक, इसका मिडिल सेंटर भी इस तरह से आप इसका मिडिल सेंटर बना लें। ये वाला मिडिल सेंटर इस मिडिल सेंटर के ऊपर आना चाहिए, तो हम इस मिडिल सेंटर को यहाँ पे रखेंगे और इसकी एक इस तरह से स्टिचिंग ले लेंगे। बीच का स्टीप स्टिच कर लिया है। अब मैंने ये पट्टी ली है और इस पट्टी को मैं यहाँ से इसको हल्का सा फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम इसकी स्टिचिंग लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमने यहाँ तक स्टिचिंग ले ली है। अब हम इसको यहाँ से और इतना इसको ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ पे हम कॉर्नर बना करके, और इसको इस तरह से फिर ऐसे फोल्ड करके और ये एक स्टिचिंग ले लेंगे ये वाली।
और एक ये वाली, इस तरह से कॉर्नर हम बनाते जाएंगे। पट्टी को हमने एकल रखना है और इस तरह से हम कॉर्नर बना लेंगे। तो देखो मैंने इसकी स्टिचिंग ले ली है। अब मैं यहाँ पे बैक साइड के पार्ट्स लगाऊंगी। ये हमारा वन पार्ट्स हो गया है और इस पार्ट्स को हमने आगे से फोल्ड किया हुआ है दोनों पार्ट्स को, इसको भी और इसको भी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी एक स्टिचिंग ले लेते हैं चारों साइड में। देखिए इस तरफ से एक, इस तरफ से एक, इस तरफ से और एक इस तरफ से। तो यहाँ पे मैंने इसकी स्टिचिंग ले ली है। अब ये जो पेपर है इसको हम हटा देते हैं। पेपर को आप पूरा हटा दीजिए, पेपर को मैंने हटा दिया है। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको ऑन करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत हमारा कुशन कवर बनकर के रेडी है। और इस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हम इसको ऑन करके डाल सकते हैं और ये हमारी ऑन साइट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।